नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि जो भी नए प्रकार का एडिक्शन आ रहा है, ग्लू, अधेसिव स्टिक्स, गम्स, एरोसॉल्स, पेट्रोल, डीजल, नेल पॉलिश, ऐसे अलग अलग प्रकार के एडिक्शन आ रहे हैं, वो लोग सूंघ रहे हैं और उसके कारण लोगों का जो मेंटल कंडीशन है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका डायग्नोसिस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे कोई टेस्ट उपलब्ध नहीं है, यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट उपलब्ध नहीं है जिसका इससे डायग्नोसिस हो पाए। ये खाली क्लिनिकली और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही ये पता चल सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें पूरे सर से लेकर बॉडी तक ये देखना है कि पेशेंट की आंखों के नीचे झुर्रिया है क्या, नाक के जो हेयर है वो जल गए हैं क्या, जबान कैसी है, नाखून कैसे हैं, क्योंकि जो लोग वापर यूज करते हैं इसका तो उनके नाखून अक्सर खराब हो जाते हैं। तो हमें पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही में पेशेंट के क्लिनिकली पेशेंट को ये पूछना ये जरूरी है कि आप क्या क्या एडिक्शन करते हो। जब हमको ये पाया जाएगा कि ये लोग कोई एडिक्शन कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट का एडमिशन करना एक साइकेट्रिस्ट के पास। जब पेशेंट का हम एडमिशन करते हैं, उनको एंटीसाइकोटिक्स, मूड डिस्टेबिलाइजर्स देते हैं, मूड स्टेबिलाइजर्स देते हैं, तो पेशेंट शांत हो जाता है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मेडिसिन है हमारे पास जिससे जो एडिक्शन है वो पूरी तरह कंट्रोल में लाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में पेशेंट पूरी तरह इस व्यसन से मुक्तता पा सकता है। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो है पेशेंट का लॉन्ग स्टे ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ एज अ साइकेट्रिस्ट हम एक डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं जो अकोला में स्थित है। इसमें हम पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है, वॉयलेंट हो गया है, उसको सबसे चाहिए ही चाहिए, ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट है कि पेशेंट का डी एडिक्शन सेंटर में एडमिशन करना। हमारे यहाँ कम से कम 25 से 30 ऐसे पेशेंट है जो डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट है, जो अलग अलग प्रकार के एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं तब पेशेंट 100% ये जो व्यसन उनको जड़ गया है उससे उनकी मुक्तता हो सकती है। और जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो है पेशेंट का काउंसिलिंग और मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, MET। काउंसिलिंग में हम पेशेंट को ये बताते हैं कि एडिक्शन करने के कारण पेशेंट के ऊपर और पेशेंट के जो सराउंडिंग्स है, रिलेटिव्स है, उनके ऊपर ये एडिक्शन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। पेशेंट को हम ये भी बताते हैं कि अगर पेशेंट एडिक्शन नहीं करता तो पेशेंट कौन सी ऐसी चीजें उपलब्ध कर सकता है जो आज वो एडिक्शन करने के कारण उसको उपलब्ध नहीं हो रही। ये ऑफकोर्स ये एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, इसको बहुत ज़्यादा पेशेंस, धैर्य चाहिए, वातावरण शांत चाहिए, और अच्छा अगर वातावरण रहा, पेशेंट को अगर अच्छे हमने मोटिवेशन किया, तो पेशेंट डेफिनेटली इससे ठीक हो सकता है। आपको लगता होगा कि हाँ ये एडिक्शन खाली स्लम एरियाज में दिखता है या बहुत ज़्यादा जो मिलीनियर है बिलीनियर है उसमें दिखता है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी क्लास में, कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, कोई भी कंडीशन हो, रिच हो, पुअर हो, लड़का हो, लड़की हो, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, हर कैटेगरी में, हर ईयर में ये एडिक्शन हमने देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये एडिक्शन का ट्रीटमेंट करना चाहिए और अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हम एज अ साइकेट्रिस्ट ऐसे एडिक्शंस का ट्रीटमेंट करते हैं और हमने हजारों तो नहीं बोलूंगा पर मैंने एटलीस्ट 100 to 150 पेशेंट को अच्छा किया है। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई भी पेशेंट है तो ये पेशेंट को जरूर आप ये वीडियो दिखाइए या आपके नेबर्स को वीडियो दिखाइए, और अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट दिखता है तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास, हमारे पास लेकर पेशेंट का मनोधैर्य बढ़ाने के साथ साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट कराइए और पेशेंट को पूरे व्यसन से, जो व्यसन उनके अंदर घुस गया है, उसको जड़ से निकाल दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक